हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप जैसे कि आपको याद होगा कि हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम ऑलरेडी डील कर रहे थे, दैट वाज योर एनिमल किंगडम। हमने लगभग सारे फाइलास कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपको याद हो तो हम डील कर रहे थे कॉर्डाटा के साथ। हमने कॉर्डाटा को क्लासिफाई किया था इंटू प्रोटोकॉर्डेट्स एंड योर वर्टिब्रेट्स। हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने वर्टिब्रेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर लिया था और हम उसके सब क्लासिफिकेशंस के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग विद द सेम, मैं आपको सीक्वेंशली बताऊंगी कि अभी हम कहाँ हैं और ज़रा सा हम ब्रीफ डिस्कशन लेंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद द न्यू पार्ट। जस्ट टू रिवाइज इन केस, आपका जो क्लासिफिकेशन था, हमने वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई किया था इनटू अग्नाथा एंड नैथोस्टोमा। अग्नाथा थे आपके जॉलेस फिशेस और नैथोस्टोमा थे आपके द फिशेस विथ जॉ बोन। ठीक है, हमने अग्नाथा के बारे में सारा कुछ जान लिया था ऑलरेडी और आज हमें समझना है आगे नैथोस्टोमा के बारे में। हमने नैथोस्टोमा को भी दो में क्लासिफाई किया था, दैट वॉज योर पाइसियस एंड योर टेट्रापोडा। हमने पाइसियस को, फिशेस को फर्दर क्लासिफाई किया था इनटू कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टियोक्थाइस। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम कॉन्ड्रिक्थाइस का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर। तो ऑर्गन सिस्टम, मैंने आपको ये बताया था कि दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फाइला। जितने भी आपको 10 फाइलास दिखे हैं उसमें से ये सबसे एडवांस्ड फाइला होता है। तो सबसे हायर क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन आपको इनके अंदर ही दिखेगी। तो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके बॉडी के अंदर दिखेगी। तो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स आपको इनके बॉडी में दिखेंगे और उनकी क्या खासियत होगी इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए अपने हैंड रिटन कॉपी के बारे में। कॉन्ड्रिक्थाइस, कॉन्ड्रिक्थाइस का स्पेशल कैरेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, वो फिशेस, वो पाइसेस जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है कार्टिलेजेस का, वहीं से नाम आया है कॉन्ड्रिक्थाइस। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थाइस के बारे में हमने लिखा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्गन सिस्टम जिसके बारे में हम जानेंगे, दैट इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप के होते थे, एक होता था आपका कंप्लीट और एक होता था इनकम्प्लीट। तो इनके पास, ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं तो बट ऑब्वियस है कि इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर्स और दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, देखिए हमने जो लाइन लिखी है, प्रेजेंस ऑफ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, पहले तो एक ओपनिंग, माउथ। नेक्स्ट कम्स योर मॉडिफाइड टीथ, इसका मतलब क्या होगा, टीथ मॉडिफाइड। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने ऑर्गन्स को मॉडिफाई करता है, तो इन ऑर्गेनिज़म्स में भी जो इनके टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, इसीलिए हमने इनके टीथ को क्या नाम दिया, मॉडिफाइड टीथ। ठीक है, अब अगर आप याद करें, बकल कैविटी के बाद आपका आता है ईसोफेगस इनसाइड योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ईसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक, नेक्स्ट कम्स योर इंटेस्टाइन, द नेक्स्ट वन इज़ योर लिवर एंड पैनक्रियाज। मतलब क्या, इन शॉर्ट इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके पास। ठीक है, अगला रेस्पायरेटरी सिस्टम, अगला कौन सा सिस्टम लेंगे हम, दैट इज़ योर रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या था, इनटेक ऑफ गैसेस एंड रिलीज ऑफ गैसेस, इन सभी के लिए इनके पास प्रेजेंट होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब इनके पास मछलियाँ हैं, ठीक है, मछलियाँ हैं तो क्या रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इनके पास, गिल स्लिट्स।
ठीक है, गिल स्लिट्स, तो क्या नंबर होगा उनका? प्रेजेंस ऑफ 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स दोनों साइड में 5 से 7, इसलिए हमने लिखा 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट कम्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता था? इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। क्लोज टाइप, क्लोज टाइप का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्लोज टाइप का क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, और दूसरी बात कि देयर इज डिफरेंशिएशन एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ और ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है जस्ट बिकॉज, क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू चेम्बर्ड हार्ट। टू चेम्बर्ड हार्ट मतलब दो कंपार्टमेंट्स होंगे इनके पास प्रेजेंट, दो चेम्बर्स होंगे इनके पास प्रेजेंट। मतलब क्या? एक ऑरिकल मतलब रिसीविंग चेम्बर और एक वेंट्रिकल मतलब पंपिंग चेम्बर। लेकिन क्या सीक्वेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। ब्लड ट्रैवल्स थ्रू ऑरिकल्स, ऑरिकल्स में एंटर करेगा एंड वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल में आएगा ऑरिकल के बाद। और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पंप करना उस ब्लड को अलग अलग पार्ट्स तक। ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या करेगा? उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक पंप करेगा। उसके बाद गिल्स के पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा से रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप होगा, और उसके बाद हार्ट की, फिर वापस से हार्ट में लौट के आएगा, दोबारा से वही काम चलेगा, फिर गिल्स के पास जाना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, दिस सिस्टम इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और देखेंगे कि इनके पास कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, फर्दर कंटिन्यूइंग विद द सेम, हमने तीन सिस्टम्स के बारे में बात कर ली थी, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, डाइजेस्टिव, रेस्पायरेटरी एंड योर सर्क्यूलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट कम्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ योर कॉन्ड्रक्थाइस। ठीक है, इनके पास कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इनके पास कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनीज मतलब दोनों साइड एक एक किडनी, मतलब इसलिए हमने क्या कहा, अ पेयर ऑफ किडनीज। अब देखिए, नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम, अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने आपको कहा था कि आपका जो चैप्टर था, हमने अभी डील किया है, जस्ट अभी नोट्स आपके अपलोड हुए थे नर्वस सिस्टम के बारे में, कि एज़ वी प्रोग्रेस फर्दर इन योर फाइलाज, हम जैसे जैसे फाइलाज में आगे बढ़ते जाते हैं, क्या होता है, नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख पाएंगे कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो दैट इज़ कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, जो इसका लास्ट फाइला था ये, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। लेकिन उसके क्या क्या फीचर्स होंगे उसको देखते हैं। हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट विथ ब्रेन टूवर्ड्स एंटीरियर एंड। हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, डॉर्सल मीन्स जो पीठ वाला एरिया है, बैक वाला एरिया है, नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड डिराइव होता है बेसिकली, प्रेजेंट विथ ब्रेन टूवर्ड्स एंटीरियर एंड मतलब आगे की तरफ ब्रेन, ठीक है, और पीछे की तरफ कंटिन्यू होके वो वहीं पे कमर वाले एरिया में आपका जैसे एंड कर जा रहा था। तो हॉलो मींस खोखला, डॉर्सल मींस जो आपका बैक वाला एरिया होता है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट विथ ब्रेन टूवर्ड्स द एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड मतलब आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, आप अपने बॉडी में भी इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। एंटीरियर एंड मतलब, एंटीरियर मींस आगे, पोस्टीरियर मींस पीछे, तो एंटीरियर एंड की तरफ क्या होगा, उस नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड योर ब्रेन। ठीक है, तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे क्या मैसेजेस आगे ट्रांसमिट होते हैं? तो रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब देखिए, जो नर्व इम्पल्सेस हैं कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसमिशन रेट जो है उनकी वो और तेज़ हो गई, और रैपिड हो गई, और फास्ट हो गई। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ
नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्सिस बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, ठीक है, इसलिए उनका रिएक्शन टाइम जो है वो फास्ट होगा पिछले वाले और डिविजन से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका, दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन, ठीक है। डिफरेंट सेक्सेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या, सेक्सेस आर सेपरेट, ये आपको पहले भी समझाया था मैंने। एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स मिलेगा आपको, मतलब अगर एक बॉडी के अंदर एक मेल है, मेल पार्ट्स हैं, तो फीमेल पार्ट उसमें नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसे ही अगर फीमेल पार्ट्स हैं तो मेल पार्ट नहीं होगा उसी सेम बॉडी में, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट आपका, जो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, दैट इज़ इंटरनल। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दोनों गैमेट्स को बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं, और बॉडी के बाहर ही दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उन्हें हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, विविपेरस और ओविपेरस और ओवी विविपेरस, मतलब समझते हैं। विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जन्म देते हैं यंगर वंस को, ओविपेरस मीन्स जो कि अंडे देते हैं, दोज हु ले एग्स, ठीक है। अगला है ओवी विविपेरस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कैपेसिटी होती है जो कि अंडे भी दे सकते हैं, दोज हु कैन ले एग्स, और उनमें ये भी कैपेसिटी होती है कि वो जन्म भी दे सकते हैं, दे कैन गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब दोनों ही काम वो कर सकते हैं, इसीलिए दोनों को कलेक्टिवली क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, ओवी विविपेरस, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब क्या, कॉन्ड्रेक्थाइस, ये या तो विविपेरस हो सकते हैं, यंग वंस को जन्म भी दे सकते हैं, या तो अंडे भी दे सकते हैं, मतलब क्या, दे कैन ले एग्स एज वेल, या तो एक ही ऑर्गेनिज्म या तो जन्म भी दे सकता है या तो एग्स भी ले कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स आपको कॉन्ड्रेक्थाइस के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप विद दिस वी कंप्लीट द मेजर पार्ट्स ऑफ योर कॉन्ड्रेक्थाइस। नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ ऑस्टिक थाइस, मतलब क्या है हम अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे और ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी विल स्टार्ट विथ ऑस्टिक थाइस। अब देखिए क्लास ऑस्टिक थाइस, ये याद करिए पाइशियस का ही दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्लास है, वो आपका सुपर क्लास था, ये उसका क्लास है, ठीक है। ऑस्टिक थाइस, ऑस्टी, ये जो टर्म है कहाँ से आया, ऑस्टियम से आया, मतलब बोन से आया। तो ये कैसे डिराइव हुआ, तो ऐसे फिशेस जिनका बॉडी का एंडोस्केलेटन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, मतलब बेसिकली बोनी फिशेस, ठीक है, इसीलिए नाम क्या दिया गया, ऑस्टिक थाइस, ठीक है। तो पहला पॉइंट भी आपका यही है कि ऑस्टिक थाइस इज ऑल्सो नोन एज बोनी फिशेस, ठीक है, क्लियर है आपको ये पॉइंट। अगला, इंटरनल स्केलेटन और एंडोस्केलेटन, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, इज मेड अप ऑफ बोन्स, हड्डियों का बना होता है, इसीलिए हम बोनी फिशेस भी कहते हैं और ऑस्टिक थाइस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो फिशेस हैं, बोन जो है सबसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स सबसे डेंस होता है आपके बोन्स का ही, ठीक है। तो इसीलिए जो इनके जॉज होते हैं, ठीक है, मछलियों के जो इनके जॉज होते हैं, मतलब जॉज आप जानते हैं, जॉ बोन्स स्पेसिफिकली, दैट इज पावरफुल एंड मूवेबल, आपका भी एक जॉ बोन, मतलब आपका जो मैंडिबल है दैट इज मूवेबल, आपका लोअर जॉ मूवेबल है, आप खुद से फील कर सकते हैं। तो इन मछलियों का भी जो जॉज है वो मूवेबल होते हैं और पावरफुल होते हैं। आप एक चीज़ समझिए, इस चीज़ को दिमाग लगाएंगे कि जिन भी मछलियों का या जिन भी ऑर्गेनिजम्स का के जो जॉज हैं अगर वो पावरफुल हैं, मूवेबल हैं, मतलब क्या होगा इसका, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो या तो कार्निवोर्स होंगे या तो वो स्कैवेंजर्स होंगे, वो फ्लैश चबाएंगे तभी वो पावरफुल जॉज रखते हैं, ठीक है, ये एवोल्यूशन के तहत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मरीन और फ्रेश वाटर, ये आपको नमकीन पानी में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी आपको मिल सकते हैं, मतलब
नदी के पानी में भी मिलेंगे और समुद्र के पानी में भी मिलेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है फिशेज में लगभग ही आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो होती है स्पेसिफिकली ये क्या करने में मछलियों को मदद करती है, ये स्विम करने में मदद करती है। मैंने आपको बताया था स्ट्रीमलाइंड बॉडी कैसी होती है, जैसे कि एरोप्लेन्स की स्ट्रीमलाइंड एक स्ट्रीम में, ठीक है। तो दे पोजेस स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच हेल्प देम इन स्विमिंग। नेक्स्ट दे आर मोस्टली स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स। मैंने आपको बताया था पावरफुल जॉज हैं, तो इससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि पावरफुल जॉज हैं तो मतलब क्या ये फ्लैश खाते होंगे, इसीलिए जॉज पावरफुल हैं इनके। अब अगला पॉइंट देखिए, कोल्ड ब्लडेड इन नेचर। कोल्ड ब्लडेड इन नेचर का मतलब कि उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि ये अपने अंदर के जो टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है, उसको कांस्टेंट रख सकें या फिक्स्ड रख सकें, ठीक है। तो अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या, इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे हम, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है आपका वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स में परसिस्ट कर जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनके ये फीचर्स हैं, लेकिन जो आपका लास्ट वाला फीचर है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब इस चीज़ को समझिए, ये जो फिशेज होते हैं, ये फिशेज इनका जो एंडोस्केलेटन है बोन्स का बना हुआ है, तो मतलब क्या ये बॉडी को हैवीनेस प्रोवाइड करेगा। अगर हैवीनेस हो गई बॉडी में तो क्या होगा, कोई भी भारी सामान, बॉयंसी लगती है वाटर का जो अप थ्रस्ट फील होता है, भारी चीज़ आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे चल जाएगी सीधे। लेकिन फिशेस को तो तैरना होता है ना, तो ये जो तैरने की बॉयंट फोर्स जो लगता है फिशेस के बॉडी के ऊपर, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर। तो ये क्या रखने में मदद करता है, हेल्प्स रिटेन बॉयंसी। ये जो अपथ्रस्ट पानी का लगेगा, दिस इज अप्लाइड ऑन दीज फिशेज विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब देखिए, हमने कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के बारे में बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो पहला है आपका रोहू, दूसरा है कतला, थर्ड वन इज योर सी हॉर्स, नेक्स्ट वन इज योर फ्लाइंग फिश, नेक्स्ट कम्स योर मांगूर, द नेक्स्ट वन इज योर एंजल फिश। अगर आप कोरिलेट कर सकें तो इसमें से जो ज़्यादातर मछलियाँ हैं जो कि ह्यूमन कंजम्पशन में यूज़ होती हैं, तो स्पेसिफिकली हम कौन सी मछलियों का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, वो होती हैं ऑस्टिकथायस, रोहू, कतला, मांगूर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपके जो ऑस्टिकथायस हैं, दीज आर मोस्टली यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। सो एम आई क्लियर टू यू, आई होप दिस पॉइंट और दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्टिकथायस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑस्टिकथायस, जिनमें हम अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स की बात करेंगे जो कि आपके ऑस्टिकथायस के बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, और उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, इनके बारे में भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं, इट इज़ बट ऑब्वियस कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैं तो किस टाइप का बॉडी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब होगा क्या, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑस्टिकथायस, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि क्यों होगा ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि दीज आर हायर ऑर्गेनिजम्स। अब पहला जो हम सिस्टम ले रहे हैं इसके अंदर, दैट इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके कॉन्ड्रिकथायस के पास भी आप कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक था, तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास भी इट इज़ बट ऑब्वियस कि इनके पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी समझे थे। तो पहला है आपका माउथ, दूसरा है मॉडिफाइड टीथ। मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाइड टीथ क्यों होते हैं, आपके ज़रूरत के हिसाब से इनके टीथ का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम मॉडिफाइड टीथ कहेंगे। अगला आएगा आपका ईसोफेगस और फूड पाइप, अगला होगा आपका स्टमक, नेक्स्ट कम्स योर इंटेस्टाइन, एंड देन आर योर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, दैट इज़ योर लिवर एंड योर पैनक्रियास। तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है विथ टू सेपरेट ओपनिंग्स, ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन एज वेल। तो दूसरा जो है आपका, दैट इज़ योर रेस्पायरेटरी सिस्टम,
ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है, इनटेक एंड गिविंग आउट ऑफ गैसेस, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ योर ऑपरक्यूलम। क्या होता है कि दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स, पिछले वाले में कॉन्ड्रक्ट था, इसमें क्या था, गिल्स स्लिट्स था। स्लिट्स अगर आपको हम समझें हम कॉमन भाषा में, स्लिट्स मतलब कटा हुआ, बस वहाँ पे कटा हुआ आपको डिप्रेशन दिखेगा, लेकिन इनके पास गिल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब देखिए और डेवलपमेंट आया। तो फोर पेयर्स ऑफ गिल्स, एक साइड में चार, दूसरे साइड में भी चार, ठीक है। तो और जो गिल्स हैं उसके कवरिंग के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे ऑपरक्यूलम। दोनों साइड में गिल्स हैं तो दोनों साइड में भी ऑपरक्यूलम होगा, ठीक है। तो दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आप कोशिश करेंगे कि सारे फिशेस का गिल्स के कितने पेयर्स हैं लगभग, ये सब याद करने की। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है आपका, दैट इज़ योर ऑपरक्यूलम, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट कम्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इनके में भी हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको बताया था मैंने, इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स यू हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा, सेपरेट बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज योर ब्लड एंड योर लिम्फ, ठीक है। क्लोज्ड चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। क्लोज चेम्बर्ड हार्ट का क्या मतलब, अब देखिए क्लोज चेम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या, अगर आप ह्यूमन हार्ट की का डायग्राम थोड़ा अच्छे से याद करें, जो कि हमने क्लास में किया था, हर एक हार्ट का जो चेम्बर था दैट वॉज गार्डेड बाय वॉल्व्स। तो हर एक वॉल्व जो है, हर एक जो चेम्बर है, दो ऑरिकल्स एक वेंट्रिकल, तो इनके पास भी जो आपका एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल होगा दैट इज़ क्लोज्ड, ठीक है, गार्डेड बाय वॉल्व्स, तो क्लोज चेम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट है आपका ब्लड ट्रैवल्स थ्रू ऑरिकल, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके गिल्स के पास से आएगा, थ्रू आउट द बॉडी वो सर्कुलेट होगा, हार्ट उसको पंप करने वाला है, ठीक है। उसके बाद वो जैसे जैसे बॉडी टिश्यूज़ के पास जाएगा वहाँ से वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, ऑरिकल्स में आएगा, ऑरिकल्स से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा, और वेंट्रिकल्स से दोबारा वो रिटर्न होके कहाँ आएगा, आपके गिल्स के पास, टू गेट ऑक्सीजनेटेड वंस अगेन, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू टिल नाउ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ऑस्टिक थायस। अब देखिए, if we talk about the excretory system of ostic thighs, jo structures present hote hain that are same chondric thighs mein aur ostic thighs dono ke andar, to inke paas bhi kya present hoga as excretory structures, that is your pair of kidneys, theek hai। I hope I'm clear with this। kidneys ka sara structure aur sara kuch humne pad rakha hai, refer to the chapter of excretory system। नेक्स्ट इज़ योर नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस होते जा रहा है आगे आपका क्लासिफिकेशन, तो आपको नए नए और चीज़ें और डेवलप्ड सिस्टम्स आपको ये दिखते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ योर नर्वस सिस्टम। इनके पास क्या होता है, हॉलो, फिर मैंने कहा अंदर से खोखला, डॉर्सल बैक की तरफ नर्व कॉर्ड इज़ प्रेजेंट। इनके अंदर भी हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज़ प्रेजेंट। इनके पास ब्रेन होगा, तो ब्रेन में अब इनमें नए एडिशंस होंगे। क्या क्या एडिशंस होंगे, ब्रेन विथ स्मॉल ऑल्फैक्ट्री लोब्स। ऑल्फैक्ट्री लोब्स का काम क्या होता है, और एंड सेरिब्रम एंड लार्ज ऑप्टिक लोब्स। ऑल्फैक्ट्री लोब्स का मतलब कि इनके अंदर द सेंसेशन ऑफ स्मेल वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऑप्टिक लोब से क्या फ़ायदा होगा, सेंसेशन या फिर विजन, इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा ब्रेन में बढ़ जाएगी। एंड एडिशनल टू दैट देर इज़ अ सेरिब्रम विच इज़ प्रेजेंट विद दीज लोब्स, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। सो योर ऑल्फैक्ट्री लोब्स, ऑप्टिक लोब्स एंड योर सेरिब्रम, ठीक है, इन सब का क्या काम हुआ। और आगे अगर हम समझने की कोशिश करें, आई होप नर्वस सिस्टम आपको क्लियर है, ऑल्फैक्ट्री
sensation of smell, cerebrum. Next comes your optic lobes, optic sensation of sight, देखने की क्षमता. ये एक्स्ट्रा एड अप हो जाएगा आपके ऑस्टिक थाइस के अंदर. नेक्स्ट कम्स योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, मतलब अलग अलग बॉडीज में अलग अलग सेक्सेस का प्रेजेंस होना, सो दिस इज नोन एज सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है. नेक्स्ट कम्स योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि मतलब ये अपने मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बाहर रिलीज कर देते हैं और बाहर में ही उनका फ्यूजन होता है, तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट. नेक्स्ट कम्स योर ओवीपेरस. ओवीपेरस का मतलब कि दे ले एग्स फॉर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब अगर इन्हें जन्म देना है यंग वंस को तो इन ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं और दे ले एग्स, ठीक है, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ओवीपेरस, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. सो इन नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट वन, दैट इज योर टेट्रापोडा, ठीक है. अब देखिए, आपके पाइसियस वाले कंडीशन में हमने सारी चीजें पढ़ ली. नेक्स्ट वॉज योर टेट्रापोडा. टेट्रापोडा, टेट्रा, टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स फुट, मतलब चार फुट वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. यहीं से इस नाम को अगर आप तोड़ें तो इसका यही मतलब होता है, चार फुट वाले ऑर्गेनिजम्स. अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो अगर हम थोड़े पुराने समय में चले, जो फॉसिल्स मिलते थे, ठीक है, तो इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स पुराने ज़माने से समय से मिले थे, तो उसमें इनका जन्म कहाँ से हुआ था, तो इंडिकेट लोब्ड फिन्ड फिशेस वेर द एंसेस्टर्स ऑफ टेट्रापोडा, ठीक है. अब देखिए, बहुत सारे पुराने समय में ऐसे फिन्ड फिशेस थे, ऐसे फिन्ड फिशेस का मतलब जिनके पास फिन्स थे, ठीक है. फिन्स किस चीज़ में मदद करते हैं, तैरने में, ठीक है. तो लोब्ड फिन्ड फिशेस मतलब लोब्स निकले हुए, लोब्स जो डेवलप हुए आपके फुट में, ठीक है, वही थे इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज, जिनके फिन्स जो है लोब्स में और फुट में चेंज हो गए, ठीक है. ये इंडिकेशन क्या है कि ये जो आपके फिन्ड फिशेस हैं जिनके पास लोब्स थे बॉडी में, दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ योर टेट्रापोडा, ठीक है. अब इनका और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मैंने आपको बताया था कि टेट्रापोडा और पाइसिस को क्लासिफाई करने का जो बेसिस था कि पाइसियस के पास फुट नहीं था, लिम्ब्स नहीं थे, और इनके पास लिम्ब्स होते हैं, इसीलिए इससे हमने अलग में डाला है टेट्रापोडा में, और उन्हें किस में डाला है, उन्हें हमने पाइसियस में डाल दिया. तो दे बेयर लिम्ब्स, ठीक है. एनिमल्स विथ फोर फीट और लेग्स और लेग लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ भी इसमें से आप टर्म्स यूज कर सकते हैं. तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, मतलब लेग लाइक और फीट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, इसीलिए हमने इन्हें किस में डाला, हमने इन्हें डाला इनसाइड योर टेट्रापोडा, ठीक है. सो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. पर टेट्रापोडा भी अगर हम लें तो इनके अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो अगर हमें स्टडी करना है इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, तो हम इन्हें एक साथ कलेक्टिवली टेट्रापोडा में रख के स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है. तो इनको स्टडी करने के लिए हमने फिर से क्या किया, हमने इन्हें फिर से सब क्लासिफाई कर दिया. सब क्लासिफाई मतलब एक क्लासिफिकेशन के अंदर से अगर हम बहुत सारे और क्लासिफिकेशन निकालेंगे तो इसे हम कहेंगे सब क्लासिफाई करना, ठीक है. तो हमने टेट्रापोडा को क्या किया, हमने सब क्लासिफाई कर दिया चार ग्रुप्स के अंदर. पहला है आपका एम्फीबिया. एम्फीबिया मीन्स एम्फी को अगर आप अलग रखेंगे और बिया, ठीक है. तो एम्फी मीन्स जो दो जगहों पर रहेंगे, ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो जगहों में रहेंगे एम्फीबियंस उनको कहेंगे, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. रेप्टीलिया, ठीक है, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स आए, छिपकलियाँ आई, कमेलियन आया, ये सारे ऑर्गेनिज्म्स आए, इन्हें हम रेप्टाइल कहेंगे. एव्स, दीज आर योर बर्ड्स, ठीक है. एंड नेक्स्ट कम्स योर मैमल्स, ठीक है, मैमल्स विच गिव्स बर्ड्स टू यंग वंस. तो
अब हम एक एक करके इन सारे सब ग्रुप्स को, सब क्लासिफिकेशंस को जानेंगे. तो इट इज़ बट ऑब्वियस, सबसे पहले हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विथ योर एम्फीबियाज. ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे विथ योर एम्फीबियंस. नेक्स्ट विल बी योर रेप्टाइल्स, नेक्स्ट कम्स योर एव्स, एंड द लास्ट वन इज योर मैमल्स. ठीक है, तो एम्फीबिया, एम्फी मीन्स डुअल, टू. ठीक है, एम्फी मीन्स मल्टीपल और टू. ठीक है, बिया मीन्स ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, जो कि दो जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, तुम्हारा जो पहला पॉइंट है वो भी यही है कि दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर. ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. हम टर्म का मतलब ही यही है, एम्फी मीन्स डुअल और टू, बिया मीन्स ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डुअल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. ठीक है, तो दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स. टू पेयर्स मतलब कितने लिम्स हुए, चार लिम्स हुए. ठीक है, सो दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स. स्पेसिफिकली अगर दो जो हैं बैक वाले लोअर लिम्स और जो आगे वाले हैं फ्रंट वाले, दे हैव देयर फ्रंट लिम्स. ठीक है, और अपर लिम्स. ठीक है, अब इनका जो मूवमेंट है इट इज़ अ बिट डिफरेंट. आपके जो फिशेस थे इससे पहले, फिशेस कैसे मूव करते थे, लोकेशन कैसे चेंज करते थे, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग. वो स्विम करते थे, तैरते थे. ये कैसे मूव करेंगे, हॉपिंग और जंपिंग. हॉपिंग मीन्स कूदना, जंप का भी मतलब लगभग सेम है. तो ये जंप करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन. अगर आपने एक मेंढक देखा होगा तो दैट मस्ट बी क्लियर टू यू, हॉपिंग जंपिंग क्या होता है. ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनके पास टेल प्रेजेंट होता है, सारों में नहीं पाया जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, टेल प्रेजेंट अमोंग सम ऑफ देम. ठीक है, अब अगला जो है कि स्केल्स आर एब्सेंट. फिशेज में था, जबकि फिशेज ही इनके पूर्वज हैं. ठीक है, फिंड फिशेज ही इनके पूर्वज हैं. फिर आपको लगेगा कि इनके स्किन के ऊपर भी मैम होना चाहिए, स्केल्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. इनके स्किन के ऊपर स्केल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं. ठीक है, लेकिन इनका स्किन फिर भी मॉइस्ट होता है. मॉइस्ट मतलब चिपचिपा. ठीक है, चिपचिपा होता है, लेकिन फिर चिपचिपा कैसे हुआ इफ स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट. तो स्केल्स के जगह पे कुछ और प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ये मॉइस्चर आता है. ये मॉइस्चर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स. ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं, और इसी म्यूकस से ये चिपचिपापन आता है इनके स्किन के ऊपर. ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. इनके जो स्किन की कंसिस्टेंसी है वो कहाँ से आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स जो कि विच सेक्रीट म्यूकस. म्यूकस इज थोड़ा सा चिपचिप. ठीक है, स्लगिश. अगला, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड लंग्स. इस पॉइंट को अब आप समझ सकते हैं, इन्हें दो जगहों पे, एकदम ऑपोजिट जगहों पे इन्हें सर्वाइव करना होता है, एक तो वाटर पे और एक तो लैंड पे. ठीक है, तो इन्हें वाटर में सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, गिल्स की ज़रूरत होती है, और लैंड पे सर्वाइव करने के लिए इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लंग्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो इसीलिए इनके पास दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ योर गिल्स एंड योर लंग्स. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नेक्स्ट कम्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड इन नेचर. सिमिलर पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि दे कैनॉट मेंटेन और दे डू नॉट हैव द सिस्टम ऑफ होमियोस्टैसिस. होमियोस्टैसिस का मतलब क्या था, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट. ठीक है, तो वो ये मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए एक स्पेसिफिक सीजन में, बारिश के मौसम में आप बहुत सारे फ्रॉग्स को देखेंगे, फिर बहुत सारे मौसमों में वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे. तो जो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा, जिसमें वो अपने बॉडी कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसमें वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्री चेम्बर्ड हार्ट. फिशेज में कितने चेम्बर्स हुआ करते थे हार्ट में, टू चेम्बर्ड हार्ट होता था. अब यहाँ पे कितने चेम्बर्स हो गए, यहाँ पे तीन चेम्बर्स हो गए. इनके पास दो ऑरिकल्स होंगे, एक लेफ्ट ऑरिकल और एक राइट ऑरिकल, और इनके पास एक वेंट्रिकल होगा.
ठीक है, अभी वेंट्रिकल्स का डिवीजन नहीं हुआ है, तो इनके पास स्पेसिफिकली कितने चेंबर्स हुए हार्ट में, 3 चेंबर्स हुए, ठीक है, तो इनके पास दे कंसिस्ट ऑफ 3 चेंबर्ड हार्ट। इसे हम और अच्छे से समझेंगे, हमने ऑलरेडी समझ भी रखा है, बट स्टिल विल टेक इट वंस मोर। नेक्स्ट, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स है आपके एम्फीबियंस के, दैट इज योर सैलामेंडर, टोड, योर ट्री फ्रॉग, एंड नेक्स्ट कम्स योर फ्रॉग, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स दैट यू कैन कोरिलेट विद, आप जिसे कोरिलेट कर सकते हैं और आपको याद भी रहेंगे। तो अब देखिए, हायर ऑर्गेनिज्म है, बट ऑब्वियस है कि कैसा होगा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का, दैट इज अ मस्ट कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो एज आई सेड, इनके अंदर जो लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होगा, दैट विल बी ऑर्गन सिस्टम। आप इसमें देख सकते हैं एम्फीबिया के ऑर्गन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। आज हम बेसिक टाइप ऑफ 3 के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को और अच्छे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे भी एज इट इज़ अ हायर ऑर्गेनिज्म, कैसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इनके पास भी सारे वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, पहला हुआ माउथ, अगला हुआ मॉडिफाइड टीथ, नेक्स्ट इज योर ईसोफेगस, नेक्स्ट कम्स योर स्टमक, नेक्स्ट इज योर इंटेस्टाइन, देन लिवर, एंड लास्ट इज योर पैनक्रियाज। मतलब सारे सब पार्ट्स जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हैं वो प्रेजेंट कहाँ होंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट ऑलरेडी होंगे, ठीक है। अब इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, दैट इज़ बट ऑब्वियस, दो जगहों पर रहेंगे तो इनके पास दो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। एक तो गिल्स होगा पानी में सांस लेने के लिए, और दूसरा आपका लंग्स होगा टू रेस्पायर ऑन लैंड, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब आपका जो नेक्स्ट है सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें हमने बस लिमिटेड पॉइंट्स लिखे हैं, क्यों, क्योंकि हम एक तो सबसे पहला हमने यहाँ लिख रखा है जो आप देख सकते हैं आपके हैंड रिटन कॉपी में, क्लोज टाइप, मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। अब देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम सर्क्यूलेटरी सिस्टम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, थ्री चेंबर्ड हार्ट में कैसे सर्क्यूलेट होता है बॉडी फ्लूइड्स, एक्सेप्शन क्या होता है ये थ्री चेंबर्ड कंपार्टमेंट्स का, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपको पढ़ाया है आप अच्छे तरीके से घर जाके पढ़ेंगे, नोट्स कॉपी डाउन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।